हेलो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है मेल जेनेटल ऑर्गन्स सबसे पहले देखते हैं जेनेटल ऑर्गन्स क्या होते हैं जेनेटल ऑर्गन्स एक तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और जेनेटल uh, ऑर्गन्स में इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं मेल जेनेटल ऑर्गन्स की बात करते हैं तो मेल जेनेटल ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं पेनिस स्क्रोटम, टेस्टिस एपिडिडाइमस एंड स्पर्मेटिक कार्ब्स पेनिस इज द मेल ऑर्गन ऑफ कॉपोलेशन बाय विच यूरिन एंड सेमन आर डिस्चार्ज फ्रॉम बॉडी मींस पेनिस जो है वो मेल ऑर्गन है जो कि कॉपोलेशन में हेल्प करता है और यूरिन और सेमन भी डिस्चार्ज होते हैं पेनिस के थ्रू नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस पेनिस का जो स्ट्रक्चर है वो दो पोर्शन से मिलकर बना हुआ है फर्स्ट है रूट जो कि अटैच्ड पोर्शन होता है और सेकंड बॉडी जो कि फ्री पोर्शन होता है पेनिस का सबसे पहले देखते हैं रूट ऑफ पेनिस रूट ऑफ पेनिस जो है वो अटैच्ड पोर्शन होता है जो कि बॉडी से अटैच्ड होता है और ये सुपरफिशियल पेरिनेल पाउच में प्रेजेंट होता है जो कि और बल्ब से मिलकर बना होता है इसे क्रूस भी बोलते हैं क्रूस ऑफ पेनिस ट्रूरा या फिर क्रूस जो होता है पेनिस का वो एशियो कवे से कवर्ड होता है बोथ साइड्स और बल्ब जो है उसकी कवरिंग को बोलते हैं बल्बो स्पॉन्जियोस आप इसमें फिर से देख सकते हैं रूट ऑफ पेनिस सिचुएटेड इन सुपरफिशियल पेरेनियल पाउच इट इज कम्पोज ऑफ थ्री मासेस ऑफ इलेक्ट्राइल टिश्यूज टू क्रूराज क्रूराज मीन्स लेग एंड वन बल्ब क्रूराज जो होते हैं वो इशियो कवर के थ्रू कवर्ड होते हैं और बल्ब पेरिडियल मेम्ब्रेन से अटैच होता है दो क्रूरा के बीच में प्रेजेंट होता है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं एक बार फिर से राइट एंड लेफ्ट क्रूरास प्रेजेंट है जिसके बीच में बल्ब प्रेजेंट होता है बल्ब जो कवर्ड होता है वो बल्बो स्पॉन्जियोसिस उसकी कवरिंग को कह सकते हैं और क्रूस की कवरिंग को इशियो कैवरनोसिस um. पेनिस का जो अगला पोर्शन है बॉडी जो कि फ्री पोर्शन है उसको डिस्क्राइब करते हैं बॉडी ऑफ पेनिस जो है वो कॉर्पस कैवरनोसा और कॉर्पस स्पन्जियोसम से मिलकर बना होता है राइट और लेफ्ट कॉर्पस कैवरनोसा और बीच में कॉर्पस स्पोंजियोसम प्रेजेंट होता है कॉर्पस कैवरनोसा जो होता है वो क्रूरास का कंटिन्यूएशन है और कॉर्पस स्पोंजियोसम बल्ब का कंटिन्यूएशन होता है जो कि इसका टर्मिनल, टर्मिनल पार्ट जो है वो ग्लैंस पेनिस फॉर्म करता है इस पेज पर देख सकते हैं नाउ बी सी द ब्लड सप्लाई ऑफ पेनिस फर्स्ट आर्टरीज इंक्लूडेड पेनाइल आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ प्यूडेंडल आर्टरी दिस इज सब डिवाइडेड इंटू थ्री आर्टरीज बल्बो यूरेथ्रल आर्टरी Dorsal artery of penis, cavernosal artery. Next veins, superficial dorsal vein, deep dorsal vein and pudendal vein. Nerve supply of penis through sympathetic nerve, parasympathetic nerve and pudendal nerve. Next, lymphatic drainage through superficial and deep inguinal lymph node. देखते हैं एप्लाइडोमी ऑफ पेनिस जैसा कि आप जानते हैं ये कॉपुलेशन का एक ऑर्गन है या फिर जेनाइटल ऑर्गन है जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और ये यूरिन और सेमेन का डिस्चार्ज भी पेनिस के थ्रू होता है नेक्स्ट फीमोसिस फीमोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि पेनिस का जो फोर स्किन होता है वो उसका खिंचाव जो पीछे की तरफ नहीं हो पाता उसको बोलते हैं फिमोसिस अ कंडीशन इन विश फोर स्किन ऑफ पेनिस कैन नॉट बी पुल्ड बैक इज नोन एज फिमोसिस